हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पान गला कैसे बनाते हैं ये मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। जब भी हम पान गला बनाते हैं तो हमें पहले, जैसे पान गला हो या और भी कोई डिज़ाइन हो, कुर्ती की हो या ब्लाउज़ की हो, उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी गला कट करना पड़ता है, तो पहले जो नए सीखने वाले होते हैं उनको, उनके लिए बोल रही हूँ, उन्हें आप पेपर के ऊपर कटिंग करो। और जो रेगुलर सिलते हैं उनको पता है तो आप डायरेक्ट कैनवास पेपर पे कटिंग करेंगे तो भी चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कैनवास पेपर इस तरह से लेना है आपको। कैनवास पेपर को आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, ये बंद बाजू जो है वो अपने साइड में आपको रखनी है। अभी बंद बाजू अपने साइड में रखने के बाद आपको क्या करना है, आपके गले की चौड़ाई कितनी है। अभी हमारे गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और आपके गले की लंबाई कितनी है वो पहले आपको चेक करनी है। जितनी आपके गले की लंबाई होगी उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है, यानी कि 9.5 इंच है तो हम 10 इंच लेते हैं। अभी 10 इंच लेने के बाद, जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है तो यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हम 2.5 इंच रखते हैं और इसे हमें इस तरह से एक सीधी लाइन लगाते हैं। अभी सीधी लाइन लगाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका गले का शेप देना हो तो आपको ये 2.5 इंच जो है 2.5 इंच में से ही निकाल के इस 2.5 इंच में आपको ये करना है, ज्वाइंट करना है। जब आप कुर्ती का गला बनाते हैं तो गले की लेंथ जो है फ्रंट साइड का होगा तो आपकी गले की लेंथ जो है वो कम रहती है, तो यहाँ पे आपको जितने गले की चौड़ाई होगी उसमें ही आपको वो बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम ब्लाउज का गला बनाते हैं तो 1/2 या 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा बाहर के साइड से लेना पड़ता है। तो इसीलिए हम गला कैसे बनाते हैं, ये देखिए इसमें से निकाल के हल्का सा अंदर के साइड से लेते हैं 1/4 इंच, और इसे बाहर के साइड से इस तरह से लेके, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे लाके 2.5 इंच में लाके यहाँ पे आपको लाना है। इसमें से आपको हल्का सा बाहर के साइड से लेंगे तो ये गला जो है वो अच्छा दिखता है। और यहाँ पे हम 1/4 इंच अंदर के साइड से लेते हैं और इसे हमें बाहर के साइड में इसे मिला देंगे। अभी जो भी गला बनाएंगे इसे हम जितना आपको ब्रॉडनेस चाहिए उस हिसाब से 1/2 इंच 1/4 इंच या 1 इंच जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो बाहर के साइड से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से गला जो है, जो गले का शेप हमने दिया है उसको कट करना है और इसमें इस तरह से लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो गला है इस तरह से आता है। आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा नोक जो है वो भी निकाल सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी गला बहुत अच्छा दिखता है। नहीं तो आपको सिंपल इस तरह से कोना निकालना है तो आपको ये जो कोना है यहाँ तक लाना है और इसमें से इसको लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कपड़े के ऊपर रख के भी दिखाती हूँ कि कैसे लगता है ये गला। जैसे इसके साइज का हमें कपड़ा निकालना पड़ता है। अभी इसके साइज का कपड़ा जब हम निकालेंगे तो इसे इस तरह से रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से कपड़े को लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसके साइज का जो कपड़ा है वो आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से ये नोक वाला होगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने ये कट किया है, लेकिन आपको कोना चाहिए तो आप इस तरीके से कोना भी निकाल सकते हो। ये देखिए ये जो है इस तरह से आप ये जो कोना जो है वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा भी आप बना सकते हो। हल्का सा और फिनिशिंग देंगे हम इसको। ये देखिए ये गला जो है इस तरह से भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से गले की डिज़ाइन जो है वो मैंने आपको बना के दिखाई है। तो यहाँ
सिर्फ मैंने कटिंग करके दिखाई है। आप चाहे तो इसको, मैंने मुझे सीधा चाहिए था इसलिए मैंने ये सीधा कट किया था, लेकिन आप इस तरह से ये नोक जो है वो बना सकते हो। और भी फिनिशिंग चाहिए तो हल्का सा फिनिशिंग देके भी इसको, ये देखिए इस तरह से इसे कट करना है, जैसा चाहिए वैसा आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको गला बना के दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।